गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एडुप्लेट थ्योरी। आज हम आपके लिए रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट लेके आए हैं, तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉफिट जो है, कंपनी का प्रॉफिट, ये दो स्टेटमेंट बनाकर निकलता है। एक तो आपने पढ़ रखा होगा पीएनएल स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट निकालते हैं, और एक कॉस्टिंग अकाउंट में भी प्रॉफिट हमें निकाला जाता है। तो कॉस्टिंग अकाउंट का जो पीएनएल होगा वो भी प्रॉफिट ही होता है कंपनी का, पर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अब ये ज़्यादातर पीएनएल स्टेटमेंट जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में बनाया जाता है, यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कंपनीज होती हैं ये बनाया जाता है। यहाँ पर भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कोई भी कंपनी हो, ज़्यादातर वो पीएनएल स्टेटमेंट अपने प्रॉफिट को पता करने के लिए बनाती है। अब दूसरी बात करें तो प्रॉफिट जो है वो पीएनएल स्टेटमेंट से ही एक्यूरेट आता है, एक्यूरेट, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट कितना होगा। पर कॉस्टिंग अकाउंट इतना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी कॉस्ट को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए कॉस्टिंग अकाउंट भी बनाई जाती है। ज़्यादातर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए होती हैं, ठीक है। ये मैनेजमेंट कंपनीज में कॉस्टिंग अकाउंट नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग में जो बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनीज होती है ना, उनके लिए कॉस्टिंग अकाउंट जो है वो बनाई जाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि पीएनएल का जो प्रॉफिट आता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट आता है, वो कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से कॉस्टिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो कभी कभी मैच नहीं करता है। तो अब क्या होगा कि अब दोनों प्रॉफिट जो हैं मैच कर रहे हैं, तो अब ये बात आती है कि ये वाला प्रॉफिट माने या ये वाला प्रॉफिट माने। ज़्यादातर पीएनएल स्टेटमेंट का प्रॉफिट जो है वो एक्यूरेट होता है, जैसे मैंने भी बताया, पर कॉस्टिंग अकाउंट में भी तो प्रॉफिट आया है, तो वो क्या प्रॉफिट है? तो कॉस्टिंग अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है वो प्री अज्यूम्ड किया जाता है, प्री एज्यूम्ड कि इतना कॉस्ट होगा, यानी कि पहले से ही हम इसका पता लगा लेते हैं कि इसकी कॉस्टिंग जो होगी इतनी होगी, तब हमारा प्रॉफिट कितना होगा। पर मैनेजमेंट कभी कभी ये जानना चाहती है कि इन दोनों के प्रॉफिट क्यों सेम नहीं आ रहे हैं, तो इन दोनों के प्रॉफिट को सेम करने के लिए या इसका रीज़न पता करने के लिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग अकाउंट के प्रॉफिट को पीएनएल के साथ मैच करते हैं, या फिर कारण का पता लगाते हैं कि इसका क्या कारण है जिसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट और पीएनएल का प्रॉफिट जो है वो बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कॉस्टिंग अकाउंट जो है वो दो प्रिंसिपल्स या दो सिस्टम पर बेस्ड होता है, दो अकाउंटिंग सिस्टम पर। पहला है कॉस्टिंग अकाउंट, एक होता है इंटीग्रेटेड और इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें, तो ये वह सिस्टम होता है जहाँ पर पीएनएल स्टेटमेंट का प्रॉफिट और कॉस्टिंग पीएनएल प्रॉफिट जो होता है वो सेम होता है, यानी कि उनको देखकर ही बनाया जाता है मैच करने के लिए। तो ये क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम द बोथ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मर्ज्ड इनटू कंपोजिट यूनिट। इट मींस अगर देखा जाए इन कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में जो डिस्क्लोज किया जाता है उनमें कोई भी अंतर नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसमें अब अंतर नहीं पाया जा रहा है, तो इसका मतलब नो नीड टू प्रिपेयर कंसिलेशन अकाउंट, तो नो नीड टू प्रिपेयर, तो इसमें जब गैप ही नहीं होगा इन दोनों अकाउंटों के बीच में, तब हमें रिकंसिलेशन यानी कि बराबर करने की ज़रूरत क्या है। रिकंसिलेशन का मतलब ही होता है कि मेल जोल करना, यानी कि दो अकाउंटों को उसके कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ मैच करना। अब नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में बोथ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर केप्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी कि दोनों अलग अलग बनाए जाते हैं, इसीलिए कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो प्रॉफिट होता है वो उनके प्रॉफिट से डिफरेंट करता है। अब डिफरेंट कर रहा है तो इसका मतलब हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में हमें रिकंसिलेशन अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो नीड टू प्रिपेयर रिकंसिलेशन अकाउंट, या हम इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं।
अब देख लेते हैं कि आखिर रिकंसिलेशन होता क्या है। तो रिकंसिलेशन की अगर डेफिनेशन में जाएं हम, रिकंसिलेशन इज अ डिटर्मिनेशन, रिकंसिलेशन इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ द आइटम्स नेसेसरी टू ब्रिंग बैलेंसेस ऑफ टू और मोर रिलेटेड अकाउंट्स या स्टेटमेंट स्टेटमेंट इनटू एग्रीमेंट। तो अगर देखें यहाँ पर, तो रिकंसिलेशन का मतलब होता है कि दोनों अकाउंट के बैलेंस को मैच करना, उनको ब्रिंग करना, जितने भी आइटम्स होते हैं उनको रीज़न पता करना कि ये रिकंसिलेशन क्यों बनाया जाता है। तो रिकंसिलेशन का एक ही रीज़न होता है कि इन दोनों के प्रॉफिट जो हैं वो मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन से, हम क्वेश्चन डायरेक्टली करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं किताब से और क्वेश्चन पे ही आपको डायरेक्टली जो है वो समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको रिकंसिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आज ही आ जाएगा। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने से पहले आप दो तीन कॉन्सेप्ट और समझ लो। पहला, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और प्रॉफिट का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। तो इसका मतलब अगर ओपनिंग बैलेंस बढ़ रहा होगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा होगा, और अगर ओपनिंग बैलेंस कम हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो और क्लोजिंग बैलेंस के साथ, क्लोजिंग बैलेंस के साथ, क्लोजिंग बैलेंस के साथ और प्रॉफिट के साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि अगर क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी तो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा और कम होगी तो कम होगा। अब एक मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में ये क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। जितनी कॉस्ट हमारा ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही हमारा प्रॉफिट कम होगा, जितनी कॉस्ट हमारी कम होगी उतना ही प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस गिवन है इलस्ट्रेशन टू, देखते हैं इसमें क्या है। द नेट प्रॉफिट ऑफ निधि लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंट्स वॉज 84,377, while profit shown by cost accounts was 106,200 for the same year. Prepare reconciliation statement to reconcile both the profits from the following informations. तो पहला गिवन है depreciation charged in financial account 5,600 while recorded in cost accounts 6,250. यानी कि यहाँ पर क्या है, cost accounting में ज़्यादा ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया है, तो इसको ओवर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, वर्क्स ओवरहेड्स अंडर ऑब्जर्व्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स 1560 वाइल ऑफिस ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स 850। यानी कि वर्क्स ओवरहेड्स जो है वो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में 1560 रुपये से कम में लिख लिया, और फाइनेंशियल अकाउंट में इसका मतलब 1560 से ज़्यादा में होगा। तो ऑफिस ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्डेड यानी कि 850 के अमाउंट मैंने ज़्यादा ले लिया रियल से। तीसरे में है इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिटेड है, इनकम है हमारी नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, यानी इनकम इनकम को 4,000 की इनकम जो है वो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं की। लॉस ड्यू टू एब्सुलेंसेज चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट 2,850, तो ये लॉस हुआ था जो कि फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया गया है और कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं किया गया है। बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 375, तो ये भी कॉस्ट अकाउंट में नहीं किया गया है। इनकम टैक्स पेड जो है वो 20,150, ये भी नहीं किया गया है। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन इन्वेंट्रीज चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, ये हुआ। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट, इसका मतलब ये इनकम है 237। तो आइए चलते हैं देखते हैं कि इसमें क्या होगा। ये इलस्ट्रेशन का दूसरा क्वेश्चन था, सॉल्यूशंस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिकंसिलेशंस, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट
स्टेटमेंट, ठीक है। तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम इस प्रकार से बनाते हैं, इसका फॉर्मेट जो होता है, यहाँ प्लस आइटम्स होते हैं और यहाँ माइनस आइटम्स होते हैं। अभी बताऊंगा क्या होता है इसका मतलब, पहले देख लेते हैं। यहाँ होते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, दो चीज़ों से हम रिकनसाइल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को, यानी कि मेल कर सकते हैं, मिला सकते हैं। पहला जो इसका वो रीज़न है पहला मिलाने का, एक तो ये कर सकते हैं कि हम फाइनेंशियल अकाउंट को रखें और कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ मैच कर दें, तो रीज़न का पता चल जाएगा क्यों नहीं मैच हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंट में आप के को मैच करना चाह रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ, तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अपने ही अकाउंट में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। और अगर कॉस्ट अकाउंट को फाइनेंशियल अकाउंट के साथ मैच कर रहे हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ जो है वो तो फिर करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा ही। तो आप चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग को मैच करो फाइनेंशियल अकाउंट से, या फाइनेंशियल अकाउंट से मैच करो कॉस्ट अकाउंट से, बात एक ही है। ज़्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग को हम फाइनेंशियल अकाउंट के साथ मैच करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो एक्यूरेटली दीव गिवन होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब्ड होता है, इसमें हम ज़्यादा भी मान सकते हैं कम भी मान सकते हैं, रियलिटी से थोड़ा अवे होता है, ठीक है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, यानी कि कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। तो देखो, प्रॉफिट जो है वो प्लस साइड लिखते हैं, और अगर लॉस हो रहा है तो हम नेगेटिव साइड लिखते हैं। तो प्रॉफिट एज कॉस्ट पर बुक में आप क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करिए, लिख सकते हो। तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट में जो प्रॉफिट था वो 84,370 था, और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो सो था वो 106,200 था। तो 106,200 था, ठीक है। अब पहला जो पॉइंट था इसका कि डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 5,600 वाइल रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट इन 6,250, यानी कि कॉस्ट अकाउंट में मैंने 6,250 डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, बल्कि फाइनेंशियल अकाउंट में 5,600 चार्ज कर लिया, यानी कि 650 जो है वो मैंने ज़्यादा ही चार्ज कर लिया। अब एक बात बताओ, कॉस्ट अकाउंट में अगर मैंने 650 रुपये का डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर लिया, तो मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा या बढ़ा होगा। सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस मैंने ज़्यादा लगा दिए, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 650 को हटा देना पड़ेगा। अब 650 हटाऊंगा मैं जब, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसीलिए 650 का जो अमाउंट होगा वो मैं प्लस साइड लिखूंगा, और यहां लिख दूंगा ऐड हुआ है, और ऐड क्या हुआ है, यहां लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ओवर एब्जॉर्ब्ड, यानी कि हमने ज़्यादा ही मान लिया, तो ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट बाय 650। और 650 कैसे आया है, ये 6,250 माइनस में 5,600 को करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, वर्क्स ओवरहेड्स अंडर ऑब्जर्व्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स 1,560, यानी कि वर्क्स ओवरहेड जो है ये एक्सपेंसेस होते हैं, इसको मैंने कम माप लिया। तो अगर बताओ मैंने कम माप लिया, तो बराबर करने के लिए मुझे दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो वर्क्स ओवरहेड्स एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को मैं जब जोड़ूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा या ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली सी बात है कम होगा। तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 1,560 अमाउंट से। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, लेस, और यहाँ लिखूँगा मैं वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड अंडर ऑब्जर्व्ड, अंडर ऑब्जर्व्ड इन कॉस्ट अकाउंट। आप यहाँ पर ये डॉट भी दे सकते हो, खाली है ये। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, एक और बचा है, ऑफिस ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट 850 रुपये से। ज़्यादा कर दिया जा चुका है, तो बराबर करने के लिए क्या करूँगा, मैं हटा दूंगा उसको कॉस्ट अकाउंटिंग से, मैं 850 रुपये का अमाउंट जो हटा दूंगा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया है। अब जब हटाऊंगा कॉस्ट अकाउंट से, जब मैं एक्सपेंसेस हटाऊंगा, तो मेरा प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 850 से जो अमाउंट होगा मेरा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ ऐड लिखूंगा, और यहाँ लिखूंगा मैं कि ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट बाय 850 कर लिया। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन
क्रेडिट साइड है नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। अब इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में ये इंक्लूड किया जा चुका है और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने अभी इसको इंक्लूड नहीं किया है, तो इसका मतलब बराबर करने के लिए इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये क्रेडिट साइड है यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्रेडिट है, इसका मतलब ये इनकम है। अब इनकम को अगर हम कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड करेंगे तो मेरा प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 4000 का अमाउंट जो है वो प्लस साइड लिखेंगे, यहाँ ऐड करेंगे और फिर क्या लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट रिकॉर्डेड। रीज़न यही है ना कि नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। अब देखते हैं लॉस ड्यू टू एब्सोलेंसेस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 2850, यानी कि लॉस हुआ था हमारा मशीनरी का या किसी भी चीज़ का, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में इसको हमने 2850 से चार्ज कर लिया। पर कॉस्ट अकाउंट में कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये मानेंगे कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं किया गया है। तो अगर हम इस लॉस को चार्ज करेंगे यानी कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा प्रॉफिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 2850 जो है वो माइनस साइड लिखेंगे, यहाँ लेस कर देंगे और लिखेंगे लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, देखते हैं बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 375 है। बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव जो है ये फाइनल अकाउंट में लिखते हैं यानी कि पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं, कॉस्ट अकाउंट में हम नहीं लिखते हैं। पर नहीं, अब देखो नहीं लिखते हैं इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट में मैंने नहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, पर बराबर करना है हमें, तो इसका मतलब 375 क्या करूँगा मैं ऐड कर दूंगा। तो कॉस्ट अकाउंट में अगर आप 375 ऐड करते हो तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 375 से मेरा प्रॉफिट जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये प्लस साइड लिखा है। ठीक है, तो 375 से तो इसको क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा और यहाँ लिखूंगा बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं इनकम टैक्स पेड किया गया है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में हमने ये ऐड, मतलब एक प्रकार से क्रेडिट साइड डेबिट साइड दिखाया होगा खर्चे के रूप में, और इसमें अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे इक्वेट करने के लिए, देखो इसमें हमने किया ही नहीं है कॉस्ट अकाउंट में और उसमें हमने खर्चे दिखा दिया है, तो यहाँ पर भी हमें खर्चा ही दिखाना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो अगर मैं खर्चा दिखाऊंगा यहाँ पर 20150 का, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 20150 से मेरा प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं लेस इनकम टैक्स पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, फिर लिखा है लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन्वेंट्रीज चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट 3375, यानी कि लॉस था ये फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया गया है कॉस्ट अकाउंट में नहीं, तो इसको चार्ज करेंगे तो मेरा प्रॉफिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 3375 से यहाँ लेस करेंगे और लिखेंगे लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन इन्वेंट्रीज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 237। स्टोर एडजस्टमेंट को हमने फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट किया है, इसका मतलब इनकम है ये। इनकम 237 रुपये की इनकम पीएनएल अकाउंट में मैंने शो कर दी पर कॉस्ट अकाउंट में शो नहीं की। तो अगर इक्वेट करने के लिए मैं इसको 237 रुपये को शो करूँगा कॉस्ट अकाउंट में जो कि इनकम है मेरी, तो प्रॉफिट क्या होगा मेरा, बढ़ जाएगा। तो 237 जो है वो यहाँ पर मैं शो कर दूंगा, तो यहाँ क्या करूँगा मैं ऐड करूँगा और यहाँ लिखूँगा स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, या आप लिख सकते हो कि नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में ये क्रेडिट कर दिया जा चुका है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, बस इतने ही डाटा गिवन थे।
अब देखो अगर मैं प्लस साइड को सभी को जोड़ूंगा तो मेरा आएगा 112,312। कैलकुलेटर का यूज़ करके आप कर सकते हो। और अगर नेगेटिव साइड को जोड़ूंगा तो आएगा 27,935। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर। अब हमें पता है कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना था, 84,377। तो 84,377 को अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो बिल्कुल यही आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, इसको मैं जोड़ूँगा तो 7, 5, 12, फिर 7, 3, 10 और 1, 9, 3, 12 और 1, 13, 7, 4, 11 और 1, 12, 8, 2, 10 और 1, 11। तो देखो 112,312 और 102,312 ये हमारा बराबर आ गया है। इसका मतलब हमने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो अकाउंट है वो बिल्कुल सही बनाया है। तो हाय गाइस, अगर मेरा चैनल और वीडियोस जो है वो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस जो है वो सबसे पहले देख सकें आप। और इसे अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो कि किस वीडियो के ऊपर आप किस वीडियो पर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। थैंक यू।